अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मूसा विलेज लाइफ और मैं हूँ मूसा की मम्मा। और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। को आप सबको भी ईद मुबारक। और अरफा जो है वो अभी अपनी चूड़ियाँ पहन रही है माशाल्लाह से। और ये अरफा की मेहंदी है, अरफा दिखाओ। अरफा ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है। और ये देखिए जी, ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ईदें होती हैं। और अरफा अभी पहन रही है चूड़ियाँ, बाकी बच्चे जो हैं वो अभी सो रहे हैं। लेकिन अरफा जो है ना माशाल्लाह से सुबह सुबह उठ गई है और उसने उठ के जो है ना वो ईद की तैयारी शुरू कर दी है। और इधर मोहम्मद इब्राहिम भी उठ गया है और इसको बस गेमें खेलने का शौक। और ये कपड़े पहन के नहा के तो इसने गेम खेलनी शुरू कर दी है। तो सबको इब्राहिम की तरफ से भी ईद मुबारक। आजकल जैसा कि हमारा बहुत बड़ा इवेंट है इस्लामिक लिहाज से देखा जाए तो ये हमारी छोटी ईद कहलाती है, ईद उल फितर। तो और सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत आशा लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज बच्चों ने माशाल्लाह काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब्दुसबूर दिखाओ। ये अब्दुसबूर के जूते हैं, ये अब्दुसबूर के कपड़े हैं और ये अब्दुसबूर है। और अब्दुसबूर सुबह से सही इंजॉय कर रहा है। और सबसे प्यारी मेरी गुड़िया लग रही है, मेरी अप्पा ने जूते पहने हुए अपने मैचिंग की है सारी। और जो बालों को लगाया है वो क्या लगाया है, पोनी सी, कितनी प्यारी लग रही है। और इतनी प्यारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और इब्राहिम जो है ना उसने सबसे कम इंजॉय किया है, क्योंकि इब्राहिम जो मोबाइल में गेम में ही जो है ना बिजी रहता है। तो सब ने अपने पापा से ईदी ली। और सबको कितनी कितनी ईदी मिली है बताओ ज़रा। 500 500 रुपीज़ मिले हैं सबको। और इब्राहिम को 500 कितने झूठे हो आप, 500 रुपया मिला है आपको और सबको मिले। और अभी बच्चे कह रहे हैं हमने खाना है शवारमा। और अभी जाते हैं बाजार, देखते हैं खाने पीने वाली कौन कौन सी दुकानें खुली हैं, तो इनको ला के देते हैं शवारमा। तो आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा बर्गर और साथ में जो है वो अब्दुसबू इब्राहिम ने कहा था मैंने खाना है, हमने खाने थे शवारमे और इब्राहिम ने खाना था बर्गर। तो अभी ऑर्डर कर दिया है, कह रहे थे 10 मिनट तक ऑर्डर जो है ना वो आपको मिल जाएगा। देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और ये कल ना वो दे के गए थे पम्फलेट और मूसा ने जो है ना वो इसको छीना और छीना छपटी में इसको फाड़ के जो है ना रख दिया है। अभी पिज़्ज़ा और बर्गर और शवारमे आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये जो ऑर्डर हमने किया था वो पहुँच चुका है। और अरफा कितनी एक्साइटेड हो रही है। ले जी निकालें, ये देखते हैं आज, चेक करते हैं इनका कैसा है शवारमा वगैरह। खोलो। स्पाइसी कहाँ है शोर? हाँ ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि स्पाइसी किधर है और नॉर्मल किधर है। दो ऊपर वाले स्पाइसी हो कि नीचे तो तीन वो है। अच्छा जी, ये शवारमे हैं और हमने उनसे कहा था कि जो है हमें चाहिए दो स्पाइसी और तीन नॉर्मल। अब कोई पता नहीं चल रहा कौन सा जो है वो नॉर्मल है कौन सा स्पाइसी है। और मोहम्मद इब्राहिम जो है वो तो अपना बर्गर लेके साइड पे हो गया, इसने कहा मैंने शवारमा नहीं खाना, मैंने तो खाना है बर्गर। आ जाओ जी। अब्दुसबूर ये नहीं पता चल रहा है इसमें नॉर्मल कौन सा है और स्पाइसी कौन सा है। चलो चेक कर लो, जिसका स्पाइसी हुआ मुझे दे दे। सारे सारे शवारमे जो है ना ये सारे नॉर्मल लग रहे हैं मुझे, ये स्पाइसी लग रहा है मुझे ना। हाँ चलो जी, सब बच्चे जो है ना वो खोल के बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ना ये अच्छा, मुझे तो इनके ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे ना। अब दुसपुर आपका कौन सा है, स्पाइसी या नॉर्मल? चलो चेक कर लो ना। इन मंगवाने का इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है मूसा के पापा, मैंने आपसे कहा था ना जाके ले आए, तो इन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा ना ऑनलाइन मंगवाते हैं। और इतना गंदा टेस्ट है, इतना ज़्यादा मायनीज डाला हुआ है इसके अंदर, कोई मज़ा नहीं। अब्दुसबूर कैसा शवारमा है, बिल्कुल पसंद नहीं आया इसके अंदर, मतलब शवारमा आ रहा है जो वो चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं डाली गया जाए इसमें, सिर्फ मायनीज डाला हुआ है। और मूसा के पापा आपको क्या पता शवारमा अच्छा है या नहीं, आप तो खाते ही नहीं है ना कभी। और अरफा कैसा है? लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ चलें, आज पैसे ज़ाया हो गए सबके, अभी खुश हो सारे। और इंशाल्लाह दोबारा जो है ना ये ऑनलाइन कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे हम लोग। बच्चे जो है सो गए और मैं खुद भी सो गई थी, और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी साथ में, तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े जो है ना वो धुल जाएँ।
अभी कपड़े मैंने सारे जो हैं वो टब में डाल दिए हैं, इसको बाहर तारों पे डालते हैं। तो बाकी ये है कि शवारमा इतना गंदा किस्म का शवारमा था, मेरे खुद मैदे में इतना शदीद दर्द हुआ है, और साथ में बच्चे भी बस ऐसे ही करते जो है ना वो सो गए हैं कि मम्मा पेट में दर्द है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ऐसी चीज़ जो है ना वो ऑर्डर ही नहीं करनी। अभी ये मैं कपड़े उठाऊँगी, इनको बाहर धूप में डालूँगी, और बाहर माशाल्लाह से बड़ी धूप लगी हुई है, सही गर्मी बनी हुई है आज। तो मैं जो है वो मेरी भी आंख लग गई, और अभी मैं उठी हूँ तो इतना दिल उदास सा हो रहा है। बच्चे भी सारे अभी तक सोए हुए हैं, मूसा भी सोया हुआ है, और मूसा के पापा भी सब सो गए थे। तो मेरा ख्याल है वो किसी के घर मेहमान आए हैं ईद वाले दिन। तो बाकी ये है कि मैं कपड़े बाहर डालती हूँ, बाहर कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अभी जो है ना ये कपड़े मैंने पहले लगाई थी मशीन, और वो धुले हैं, इनको मैं तय करके रखती हूँ अलमारियों में, और बच्चों के कपड़े जो हैं वो उन्होंने उठा लिए। बाकी ये मूसा के कपड़े हैं, इनको भी इनकी अलमारियों में रखती हैं। और हमारी तो बहुत बोर गुजर रही है, बच्चे माशाल्लाह से पहले तो घूमते फिरते रहे, अब थक हार के सो गए हैं। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।